दिवाली आने में अभी कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन मार्केट में बोनस का, गिफ्ट का माहौल काफी दिन पहले से ही छा जाता है। इस बोनस का, चाहे प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले हों, चाहे सरकारी दफ्तर के कर्मचारी हों, चाहे घरों में काम करने वाले हों, इस बोनस का, इस गिफ्ट का बेसब्री से इंतजार करते हैं। और भाई, करे भी क्यों ना, आखिर दिवाली साल भर में एक ही बार तो आती है। हालांकि सैलरी के सामने ये बोनस ना के बराबर होता है, बट फिर भी अच्छा लगता है कि हाँ, हमें भी बोनस मिला, हमें भी गिफ्ट मिला है। और बात आए दिवाली की, बात आए गिफ्ट की, बात आए बोनस की, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री, सबके दिलों में राज करने वाले अरविंद केजरीवाल जी भी भाई बोनस बांटने में पीछे नहीं छूटते हैं। उन्होंने भी कह दिया कि भाई मेरी तरफ से भी कर्मचारियों को भर भर के बोनस मिलेगा। अब भर भर के का मतलब प्रत्येक कर्मचारी को 7-7 हज़ार रुपये का बोनस मिलेगा। और इस पूरे बोनस के कारण, सभी बोनस के कारण दिल्ली सरकार पर 56 करोड़ का लोड पड़ेगा, यानी कि 56 करोड़ रुपए सभी कर्मचारियों में बांटे जाएंगे बोनस के तौर पे। आइए एक झलक सबके दिलों में राज करने वाले, सबकी चहेते मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को सुन लीजिए। ये महीना त्योहारों का महीना है, उस 7-7 हज़ार रुपये का बोनस दे रहे हैं। ये बोनस देने के लिए 56 करोड़ रुपये का खर्चा आएगा। इससे हमारे कर्मचारियों के घरों में, त्योहारों में खुशियां दुगनी हो जाएंगी। एक सरकार के रूप में हमने अपने कर्मचारियों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए हमेशा प्रयास किया है। अब भाई साहब, आपने मुख्यमंत्री जी को तो सुन लिया, लेकिन इस बोनस के पीछे का राज आपने नहीं जाना। भाई साहब, मुख्यमंत्री जी सबके दिलों में राज करने वाले, सबके चहेते मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि आप सरकारी कर्मचारियों को बोनस दे रहे हैं, इसका मतलब सरकारी कर्मचारियों की सैलरी तो ठीक ठाक होती है, एक बैलेंस, इसे मानते हैं कि एक ज्वाला है, उस ज्वाला में अगर आप तेल डालना का काम करते हैं, यानी कि ज्वाला को और भड़का रहे। आपके ही दिल्ली के सरकारी स्कूलों में गेस्ट टीचर पढ़ा रहे हैं काफी सालों से, क्या ये गेस्ट टीचर आपके कर्मचारी नहीं है भाई? यार, इतनी भी क्या दुश्मनी और इतनी भी क्या मेहरबानी, एक जगह लौ जल रही है, ज्वालामुखी में आपने तेल डाल दिया, उसे और भड़का रहे हो। दूसरी जगह जो गेस्ट टीचर है उनको सैलरी कितनी मिलती है, यानी कि छोटी सी जोत है, आपने इसे फूंक मार के बुझाना चाहते हो। भाई साहब, सरकारी एम्प्लॉय को 56 करोड़ रुपए बोनस के लिए दे रहे हो, अगर उस बोनस में थोड़े से छींटे गेस्ट टीचर पर भी पड़ जाते तो भाई 56 करोड़ की जगह 57 करोड़, 58 करोड़ हो जाते। भाई, एक एक दो दो हज़ार रुपये अगर गेस्ट टीचर्स को भी देने की घोषणा कर देते, अरे भाई घोषणा ही चाहिए, चाहिए कुछ नहीं, सिर्फ घोषणा कर देते तो अच्छा लगता, क्योंकि गेस्ट टीचर घोषणाओं से ही खुश हो जाते हैं। जैसे पिछले मनीष सिसोदिया जी ने घोषणा की थी कि सैलरी बढ़ाएंगी, वो उसी में खुश हो गए, बल्ले बल्ले उन्होंने धरना ही तोड़ दिया। तो अरविंद केजरीवाल जी थोड़ा सा आपके ही कर्मचारी हैं गेस्ट टीचर भी, थोड़ा उनके दिलों में भी राज करो, थोड़ा उनके बारे में भी सोचो, आश्वासन दे दो, झूठा देना मत लेकिन आश्वासन दे दो। भले आप बोनस मत बांटना, किसको पता लग रहा है कि बोनस दिया कि नहीं, लेकिन यार न्यूज़ में अगर आप कह दोगे ना, तो न्यूज़ में आपकी वाहवाही हो जाएगी, आपका चुनाव प्रचार भी हो जाएगा। अरे भाई, इतना अच्छा मौका आपको मैं दे रहा हूँ, इतना अच्छा तरीका आपको बता रहा हूँ कि आपको सिर्फ घोषणा करनी है कि गेस्ट टीचर को भी 2-2 हज़ार, 1-1 हज़ार रुपये का बोनस देंगे। और ये भी कह देना कि पहली बार किसी सरकार ने गेस्ट टीचर को दिवाली का बोनस दिया है। तो भाई,
ये वाला जो है ना आपके लिए बहुत बढ़िया मसाला होगा, वायरल हो जाओगे आप, फेमस हो जाओगे, और जहाँ जहाँ चुनाव लड़ना है ना वहाँ वहाँ आपकी सरकार बनने के चांस बन जाएंगे। यार ये क्या तरीका है आपका, ऐसा लगता है जैसे आपने बिल्कुल गेस्ट टीचर को ऐसे नेगलेक्ट कर दिया, ऐसे साइड कर दिया, आपको लगता है कि आपके कर्मचारी ही नहीं है। अरे भाई बोनस छोड़ो यार, बोनस की तो कोई लालच ही नहीं है, गेस्ट टीचर बोनस चाहता ही नहीं है आज के टाइम में। अरे सैलरी नहीं बढ़ी है भाई साहब, 7 साल हो गए, 7 साल हो गए, अरे 7 साल में चुनाव हो रहे थे टल गए, और जब पीछे चुनाव हो रहे थे ना उसी टाइम आपके शिक्षा मंत्री, भूतपूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी ने कहा था कि सैलरी बढ़ेगी और सैलरी बढ़ाई जाएगी क्योंकि चुनाव आने थे। अब भाई साहब चुनाव तो आगे टल गए, आपकी सैलरी भी फुस हो गई, लेकिन अब तो चुनाव आएंगे ना 2024 में, अरे घोषणा कर दो सैलरी की, छोड़ो आप घोषणा कर दो कि दिल्ली सरकार सभी गेस्ट टीचर को बोनस देगी। और भाई साहब अगर दे भी दोगे ना तो कोई नुकसान नहीं जाएगा आपका, क्योंकि ये आपकी जेब से नहीं जाएगा, ये सरकारी संपत्ति है। हर एम्प्लॉई बोनस की चाहत रखता है, हर एम्प्लॉई दिवाली में इन त्योहारों में गिफ्ट की चाहत रखता है। और आपने कहा था कि इन कर्मचारियों के घरों में खुशी आएंगी, और दूसरी तरफ चाहते हो कि गेस्ट टीचर के घर में अफसोस जताया जाएगा कि भाई तुम कैसी नौकरी करते हो, क्योंकि गेस्ट टीचर का भी घर है, गेस्ट टीचर का भी परिवार है, और गेस्ट टीचर के घर में जब ये पता लगेगा कि मुख्यमंत्री जी दिवाली का बोनस बांट रहे हैं तो उन पर क्या बीतेगी, उनके घर वालों पर क्या बीतेगी, शायद आप नहीं समझ सकते, क्योंकि आप तो दिल्ली के चहेते मुख्यमंत्री हैं। और भाई साहब अपनी मैडम आतिशी जी जब से आई है लगता है कि वो गेस्ट टीचर्स नाम भूल गई हो। अरे उम्मीद है आप लोगों से, और आप लोगों से ही तो होगी, और किससे होगी बताओ। अब दिल्ली के गेस्ट टीचर यूपी में थोड़ी ना जाएंगे अपनी पुकार लगाने, हरियाणा में जाएंगे क्या, दूसरे स्टेट में जाएंगे क्या? और दिल्ली के अगर आप भाई बनते हो, दिल्ली का बेटा बनते हो, दिल्ली का चहेता मुख्यमंत्री बनते हो, घरों घरों में सबकी राय लेने जाते हो, तो थोड़ा सा आप गेस्ट टीचर के बारे में भी सोचिए, तो शायद गेस्ट टीचर्स भी आपके लिए एक अच्छी राय बना ले। और आप टीचर्स के बीच में जब आप वोट मांगने जाओगे तो ये टीचर गर्व से कहेंगे कि हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही होने चाहिए। लेकिन भाई साहब आपको तो सिर्फ चुनावी स्टंट चाहिए, प्रचार करना है भाई साहब को, और 56 करोड़ का प्रचार भाई साहब बोनस के नाम पे। और ये बोनस भी काफ़ी कमाल का है, क्योंकि ये बोनस तो केंद्र सरकार देती आई है पहले से, अब इसमें क्या नया है वो समझने वाली बात है। बाकी ये छोटा सा छोटी सी रियलिटी और गेस्ट टीचर्स की दिल की आवाज़ आप लोगों तक शेयर की है। अब आप इसे और आगे आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, धन्यवाद।